कोटा से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा कोचिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए ऑफलाइन कोचिंग शीघ्र खोलने के संकेत। गहलोत ने आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में कहा, धारीवाल जी कोटा कोचिंग को शीघ्र खोलने की बात कहते रहते हैं, हमने कमेटी कर रखा है गठन और उम्मीद है कि जल्द ही होगा फैसला। हालांकि सीएम गहलोत ने चेताया, रहे सतर्क, अभी भी गया नहीं है कोरोना। तो एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है, कोटा से कोटा कोचिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिए ऑफलाइन कोचिंग शीघ्र खोलने के संकेत। बड़े संकेत यहाँ पर मिले और लगातार जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े प्रदेश में कम हो रहे हैं, तो ऐसे में रियायतों का दौर भी ज्यादा है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, कोटा बहुत पहले कोरोना फ्री हो चुका है और कोटा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है यहाँ का कोचिंग सेक्टर। लेकिन एक लंबा अरसा हो चुका है जब कोटा की ऑफलाइन कोचिंग बंद पड़ी है। सैकड़ों की तादाद में हॉस्टल्स हैं जो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और साथ में जो कोचिंग का पूरा कारोबार और कोचिंग पर आश्रित जितने व्यवसाय हैं उन सब की भी कमर टूट चुकी है। ऐसे में लगातार कोटा से ये मांगें उठती रही है कि तुरंत ऑफलाइन कोचिंग को फिर से शुरू किया जाए। करीब 1 से 1.5 लाख विद्यार्थी पूरे देश से यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने आता है और कोटा से आने वाली यूडीज मंत्री शांति धारीवाल भी मुख्यमंत्री से जब तब ये मांग पिछले कुछ समय से करते रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री ने कोटा कोचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। वर्चुअली वो एक शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे जो कि कोटा में रानपुर में यहाँ पर जो आदिवासी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है उसके शिलान्यास का वो समारोह था। इसी दौरान उन्होंने कोरोना की बात करते हुए कोटा कोचिंग की बात की और इस बात के संकेत दिए कि मुझे धारीवाल जी कोटा के लिए ऑफलाइन कोचिंग शुरू करने की मांग करते रहते हैं, हमने कमेटी बनाई है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये कमेटी जल्द ही फैसला करेगी। ये मुख्यमंत्री का बयान अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल भंवर, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सतर्क रहे, अभी भी गया नहीं है कोरोना, तो साफ तौर पर संकेत भी दिए हैं, तो चेताया भी और सतर्कता बरतने की अपील भी की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।